हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चित्रा फूड ब्लॉग। आज मैं आपके लिए मटन फेफड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को पूरा देखिए रेसिपी जानने के लिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर डाल देंगे और उन्हें तेल में भूनेंगे और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारी भुन चुकी है, अब हम इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ये रेसिपी थोड़ी चटपटी ही होती है और नॉर्मल के हिसाब से हम थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ज़्यादा ही डालते हैं। सात से आठ हरी मिर्च डाल देंगे और 1 बड़े साइज़ का टमाटर कद्दूकस करके डाल दिया है, इसे भी हम मसाले के साथ पकाएंगे। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें काटे हुए मटन फेफड़े के पीसेस डाल देंगे। इन्हें भी अच्छे से मसाले के साथ भून लेंगे और 5 से 7 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर भूनेंगे। और जैसे ही इन्हें भूनते हुए 2 से 3 मिनट होंगे, इसके पीसेस फूलने लग जाएंगे। और डाल देंगे हरा धनिया, प्याज काट कर डाल देंगे, उसे भी हम इनके साथ भूनेंगे। और पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे ना, बिना पानी के ही हम मसाले के साथ भूनेंगे। आधा चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, प्याज सॉफ्ट होने लग गई हैं, प्याज आधी पक चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और जितनी हमें ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से हम इसमें पानी डाल सकते हैं। और प्रेशर कुकर को बंद करके 5 से 6 सीटी हम इसमें लगा देंगे मीडियम फ्लेम पर। सीटी लग चुकी है और कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और लास्ट में हम गरम मसाला डाल देंगे। और ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए नए रेसिपी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।